अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेहा ज्वेलर्स के साथ आप देख रहे हैं हमारा मिशन प्रोग्राम। जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो एक खातून हैं और हम उनसे बात करेंगे औरत के हकूक़ के बारे में। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में क्या औरत पूरी तरह से एम्पावर्ड है? क्या वो अपनी ज़िंदगी पूरी आज़ादी के साथ गुजार रही है? एक औरत जो एक माँ, जो एक बीवी, एक बहू और इसके अलावा बहुत से अपने रोल प्ले करती है अपनी ज़िंदगी में और पूरी ईमानदारी से करती है, क्या उसको इसका प्रॉपर रिवॉर्ड दिया जा रहा है? आइए ये हम पूछेंगे हमारे मेहमान से, जो कि कैथीड्रल स्कूल के प्रिंसिपल, जो यूहन्नाबाद कैथीड्रल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, शगुफ्ता परवेज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र है खुदा का, मैं ठीक ठाक। आप हमारे नाज़रीन को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरी लाइफ जर्नी, स्कूलिंग मेरी सेक्रेड हार्ट थॉर्टन रोड से हुई, देन कॉलेज मैंने किया इस्लामिया कॉलेज से, बीए तक वहाँ पे तालीम हासिल की, फिर उसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गई। बीए के बाद कैथीड्रल स्कूल, पुरानी नारकली में स्कूल है, वहाँ पे मैंने टीचिंग स्टार्ट की। 25 साल तक मैं वहाँ पे टीचिंग करती रही, देन ड्यूरिंग दैट पीरियड उसमें मैंने अपनी एजुकेशन इम्प्रूव की, बीएड किया, फिर एमए ईएलटी किया, एमफिल ईएलटी किया। ईएलटी मींस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। फिर उसके बाद 25 इयर्स के बाद मेरी प्रमोशन हुई एज अ प्रिंसिपल। मैं कैथीड्रल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में गई, वहाँ पर 2 साल मैंने खिदमत की। उसके बाद 2014 में मुझे यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल लाया गया, और पहले कुछ दिन पहले ये स्कूल क्राइस्ट चर्च स्कूल यूहन्नाबाद के नाम से जाना जाता था, अब हमारा जो है रीडेजिग्नेट किया गया स्कूल को, इसको भी कैथीड्रल का नाम दिया गया। अब हमारा स्कूल है कैथीड्रल स्कूल क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद कैंपस, और 2014 से मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रही हूँ। और मेरी शादी 1990 में हुई, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, दो बच्चे जॉब करते हैं, छोटा वाला ऑनर्स के लास्ट ईयर में कंप्यूटर साइंसेज में कर रहा है, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी टीचिंग फील्ड में हैं, वो पुराने नारकली में वहाँ पे स्पोर्ट्स फिजिकल ट्रेनर हैं वहाँ पे। और क्या आपने हमेशा से यही डिज़ायर रखी कि आप इसी फील्ड में आएँ या आप कुछ और बनना चाहती थी आप? हाँ जी, एक्चुअली मेरी मदर जो थी वो टीचर थी, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हुई थी, और मुझे कहते हैं बचपन से मुझे पैशन था टीचिंग का ना, तो वही फील्ड मैंने अपनाई और उसी में मैं आगे बढ़ती रही हूँ। पाकिस्तान में बहुत से मिशनरी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये मिशनरी इदारे जो एक मिशन लेकर चलते हैं वो अपनी खिदमत पूरी तरह से सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, तो ऐसे मिशनरी स्कूल्स वाकई जो रूट मिशनरी रूट्स जिसमें हैं वो ऑब्वियसली वो तो सही कर रहे हैं बहुत हद तक, आई थिंक 80-90% वो कर रहे हैं, और अभी तक हमारे सिस्टम को बने हुए 135 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। LDBE लाहौर डायसेसन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आप 1881 से ये इस्टेब्लिश हुआ है, और अब तक हमारे जो सिस्टम ने बहुत तरक्की की है, बहुत से बच्चों को यानी कि एजुकेशन के फील्ड में हम बहुत आगे निकले हैं, और बहुत से स्कूल्स ऐसे मिशनरी स्कूल्स हैं जो वाकई ही सिंसियरली से काम कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी भी मिशनरी स्पिरिट लोगों में है और वो करते जा रहे हैं इस चीज़ को। आप अपने स्कूल का, ये कैथीड्रल स्कूल, ये क्राइस्ट स्कूल का मिशन शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स से? मिशन, हमारा मिशन है एजुकेशन विद कंपैशन एंड कमिटमेंट, हमारी मिशन स्टेटमेंट है ये ना, कंपैशन विद कमिटमेंट। तो जाहिर है जब हमारे, मैंने आपको कहा ना, पैशन टीचिंग को जब हम पैशन एज अ पैशन नहीं करेंगे तो वो कमिटमेंट नहीं होगी, ठीक है? तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा LDBE पूरी कोशिश कर रहा है कि उस कंपैशन के साथ, उस कमिटमेंट के साथ हम इस एजुकेशन को आगे प्रमोट करें, और कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम को में लोगों की बहुत नेगेटिव सोच है, स्टिल बहुत से लोग सोचते हैं कि को एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हमने लड़कियों को अपनी नहीं भेजना जहां लड़के भी हैं, तो को एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, मेरी टोटली मैं वेरी करती है मेरी राय,
मैं डिफ़र करूँगी लोगों की सोच से. मैं कहती हूँ जब बच्चा प्रेमिसेस में दाखिल हो गया, ना वो लड़की है ना वो लड़का, वो एक स्टूडेंट रहता है, ठीक है. और हमने वो दौर भी देखा है जब दोनों गर्ल्स और बॉयज़ एक ही क्लास में बैठते थे और कंपटीशन की स्पिरिट बहुत होती थी. कंपटीशन होता था कि लड़कियों की कोशिश होती कि हम लड़कों से ज़्यादा नंबर लें, लड़कों की होती थी हम लड़कियों के सामने हमें एम्बैरेसमेंट ना हो मार्क्स की वजह से. तो वो कंपटीशन स्पिरिट जो है वो ख़त्म हो गई है. और आई थिंक ये जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. को एजुकेशन बिल के चलना चाहिए. आगे देखो यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, तो हमने अगर हम बचपन से उनके जहनों में ये चीज़ डाल देंगे नहीं जी लड़कियां फ़र्क है, एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस रख देंगे, तो ऑब्वियसली माइंड में वही डिवेलप उनके होता जाएगा. वो एक कॉन्फिडेंस जो होता है आपस में बातचीत करने का वो नहीं रहता इनमें. तो मैं डिफ़र करती हूँ राय से, या नेगेटिव जो थॉट है को एजुकेशन की वो मैं इसको डिनाई करती हूँ कि नहीं, को एजुकेशन इज़ अ पॉजिटिव थिंग. उसको अगर आप लेके चलते हो तो हमारा मुल्क ज़्यादा आई थिंक तरक्की करेगा. तो ये जो को एजुकेशन को लेकर नेगेटिव चीज़ें देखी जाती हैं, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स देख रहे होंगे हमारा शो जो इस नेगेटिविटी को, जिनकी सोचों में ये बातें होंगी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, ठीक है. अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में बच्चों को बताएंगे तो आई थिंक मेरा निकाल के बच्चे इससे वो करेंगे, अगेंस्ट जाएंगे या उसको नेगेटिव वे में लेंगे. हाँ, हमारे हम बीइंग मैच्योर पीपल, हम लोग जो एक नेगेटिव पॉइंट हम बच्चों के माइंड में जो आप डाल दोगे उसने वही चीज़ अडॉप्ट करनी है. अब हमारे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों को पता है जी वो लड़की है तो मैंने उससे बात नहीं करनी, वो लड़का है तो मैंने उससे साथ बात, मतलब वो एक हमने उनमें डिफरेंस ला दिए. जबकि पहले होता था हम एक क्लास में बच्चे होते थे, हम कहते थे कि नहीं ये आपके भाई है या आपकी बहन है. अब वो कहते हैं नहीं ये नहीं मेरी बहन, मेरी बहन तो उस क्लास में पढ़ती है. ये पेरेंट्स ने माइंड में डाला हुआ है. अदरवाइज़ दूसरा मीडिया ने, ऑब्वियसली आई एम श्योर सॉरी टू से मीडिया ने भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है कि हर चीज़ को नेगेटिव वे में पेश करने से बच्चों के माइंड्स को स्पॉइल किया गया है. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मीडिया इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. लेकिन ये डिपेंड तो पेरेंट्स पे भी करता है कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं. पहली बात है पेरेंट्स पे आती है ना, घर का एनवायरनमेंट आप जैसा दोगे बच्चे वैसा ही करेंगे. जब पेरेंट्स ही उनको गाइड नहीं सही करेंगे, और फिर दूसरा ये कि पेरेंट्स जब बाहर निकले रहेंगे तो पीछे बच्चे क्या देखते हैं नो वन नोस. वो सारा दिन जब घरों से बाहर रहते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे पीछे, जब स्कूल टाइमिंग्स खत्म होती हैं, और कई दफ़ा तो बड़ी क्लासेस के बच्चे स्कूल भी नहीं आते हैं. पेरेंट्स को पता है कि स्कूल गए हैं, बट स्कूल को पता है कि बच्चा नहीं आया है. तो ये पेरेंट्स पे है कि उन पे जो है ना एक क्या कहेंगे तेज़ नज़र रखें, कीन आई रखें कि जी हमारे बच्चे क्या करें, उनकी एक्टिविटीज़ पे, उनकी उठना बैठना, उनकी सोहबत कैसी, किन लोगों से मिलता है, कहाँ पे जाता है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स पे है आती है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें. जी बिल्कुल सही. हमारी सोसाइटी में लड़कों में तालीम का इतना शौक नहीं है. देख अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की तरफ निगाह करें तो हमें नज़र आता है कि लड़कियां बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसी वजह से लड़कियों को अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते. ये भी एक बहुत मेजर इशू है सोसाइटी में. तो लड़कों में को किस तरह से तालीम का शौक लड़कों में लाया जा सकता है? देख लड़कों का तो वही बात आ जाती है, सबसे पहले पेरेंट्स. सुबह जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे को स्कूल के लिए भेजते हैं, अब हमारे मैं अपने एक मिसाल देती हूँ, हमारे बच्चे जो हैं पेरेंट्स भेज देते हैं चलो जी बड़ा हो गया इसको अपने ओन पे जाने दो. बच्चा घर से निकला है बट वो स्कूल नहीं पहुँचा. हम कॉल करके कह रहे हैं कि जी आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो भेजा स्कूल. ये चीज़ है पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा. अगर बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आ रहे हैं, बच्चों को एजुकेट करना है, तो पेरेंट्स को फॉलो अप करना पड़ेगा और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ पे, बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे इसकी ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की. वो चीज़ जो है ना जैसे बच्चे बड़े होते हैं क्लास 6-7 में बच्चे आते हैं पेरेंट्स बॉदर नहीं करते, और छोटी क्लासेस में डेली बेसिस पे पेरेंट्स से टीचर से मिलते हैं. तो यही है कि जब हम ये हमारे बिशप साहब वो कहते हैं कि ये जो है ना एक ट्रायंगल एजुकेशन सिस्टम जो है, पेरेंट टीचर और स्टूडेंट तीनों को इकट्ठा साथ चलना पड़ेगा. अदरवाइज एक भी बीच में से लूज है ना तो ट्रायंगल पूरा नहीं होता है. तो पेरेंट्स को सबसे पहली बात है पेरेंट्स को टीचर्स के साथ इन टच रहना चाहिए अपने बच्चे की प्रोग्रेस के लिए. हम यहाँ पे कॉल्स कर करके उनको बुला रहे थे आपका बच्चा ये कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है, वो कभी भी नहीं आते जब तक हम ना बुलाएं. मोस्टली स्टूडेंट्स एफ ए कर लिया,
लड़के एफ ए कर लिया और थोड़ा आगे पढ़ लिया, सो बाहर निकले, जॉब्स के लिए गए, उन्हें जॉब्स नहीं मिली, एजुकेशन से दिल उठ गया कि जितना भी पढ़ लो नौकरी तो मिलती नहीं है। तो एजुकेशन के लेवल क्राइटेरिया को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली हमारे बच्चों में वो एम्बिशन नहीं है, मतलब एम नहीं है कि जी किस एम से वो स्टडी कर रहे हैं। बच्चों को एक एक गोल कर लेना चाहिए कि टारगेट बनाने मैंने ये करना है, तो बच्चे उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। मतलब बहुत से बच्चों से ऐसे पूछा जाता है आपका एम क्या है, आप क्यों एजुकेशन, पता नहीं, दे डोंट नो, मिस पता नहीं। इवन के क्लास नाइन्थ एट नाइन्थ के बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं पूछता हूँ आपका एम क्या है, मिस पता नहीं। तो मैंने कहा आप एमलेसली स्टडी कर रहे हो, आपका कोई एम नहीं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, बैंकिंग में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने कहा जब तक आप एम अपना गोल सेट नहीं करोगे आप नहीं उस गोल को अचीव कर सकते। तो अब यही अवेयरनेस बच्चों में लेके आ रहे हैं, छोटी क्लासेस हम बच्चों को बता रहे हैं कि जी अपना एम एक बनाओ कि आपने बड़े होकर क्या बनाया, और साथ साथ उनको ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि सिर्फ ये दो तीन फील्ड्स नहीं, अब तो बहुत एक्सपैंड कर गई ये फील्ड्स, तो उनको इनकी अवेयरनेस देते जा रहे हैं ताकि जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसमें उनको आगे लेके चले और वही फील्ड जो है कॉलेज में जाके अडॉप्ट करें। बिल्कुल, हम इसी बात को ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये ब्रेक का टाइम है। सो नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं कैथीड्रल स्कूल के प्रिंसिपल, योहानाबाद कैथीड्रल स्कूल के प्रिंसिपल। हम इनसे ब्रेक के बाद ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MTV, MTV के मकासद मुआशरे से अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए जदोजहद करना, मसीहों के मसाइल की ना सिर्फ निशानदेही करना बल्कि उनका हल तलाश करना, पाकिस्तान के आइन और मसीही कवानीन के बारे में मसीही कौम को वॉश आउट करना, पाकिस्तान के कयाम, तरक्की और खुशहाली में मसीहियों के किरदार का तज़िया, और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना। डोंट मिस इट, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज इन अ वीक, नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ओनली ऑन MTV। तो देखना ना भूलिए। नाज़रीन, जी नाज़रीन हम बात कर रहे थे योहानाबाद कैथीड्रल स्कूल के प्रिंसिपल से कि किस तरह से, ब्रेक पर जाने से पहले हम उनसे जान रहे थे कि किस तरह से बच्चों को पता नहीं होता कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनसे जानते हैं। ये बच्चों को किस तरह से आप अवेयरनेस देते हैं, स्पेशली जब बच्चे स्कूल छोड़ने वाले होते हैं, कि उन्होंने आगे उनका क्या गोल है, उनका क्या मोटो है, उन्हें आगे जाके क्या करना है, उन्हें किस तरह से विजन सेट करना है, ये आप किस तरह से बच्चों को बताते हैं? अब देखिए हायर डिपार्टमेंट जो हमारा 8, 9, 10th होता है उसमें टीचर्स को कहा जाता है कि बच्चों का जो है ना उनके देखें कि उनके क्या इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, साथ उनको फील्ड्स बताते रहते हैं कि आगे साइंस में, मैथमेटिकल में ये चीज़ें हैं, उसमें आगे अगर मेडिकल में नहीं जाते तो बायोटेक और इस तरह के इस तरह की चीज़ें जो टॉपिक्स, उनको बता देते हैं कि किस किस फील्ड में आप आगे चल के अपने आप को लेके जा सकते हो। गाइडलाइन हम देते हैं, आगे उनका है इंटरेस्ट जिसमें होगा ऑब्वियसली वो वहाँ जाके वही सब्जेक्ट्स रखेंगे, लेकिन उनको अवेयरनेस दी जाती है कि वहाँ पे सिर्फ ये सिलेक्टिव सी स्टडीज़ नहीं है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। बिल्कुल सही, हमने कुछ दिन पहले योहानाबाद में सर्वे किया, हमें वहाँ कुछ लोगों से पता चला कि आपके ये क्राइट स्कूल में ये
कैथीड्रल स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा है कि गरीब बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बच्चा यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता, इसकी क्या वजह है? आई थिंक जिसने भी आपको बताया है गलत बताया है, हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल फी है। हमारे यहाँ पे एक है गरीब बच्चों का भी कोटा है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उनको कंसेशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, और हमारे एक मतलब कि कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरीज हैं, जैसे ऑर्फन्स हैं उनको स्पेशल कोटा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है। इसी तरह जैसे सिबलिंग्स हैं उसके लिए हमने रखा हुआ है। जिसने भी आपको मतलब आई डोंट नो कि किसने आपको मिस गाइड किया है, जाहिर है हमने स्कूल भी चलाना है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मतलब मिनिमल है, मिनिमम है। अगर आप कैथीड्रल सिस्टम हमारे दूसरे स्कूलों में देखें उसके मुकाबले में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसके लिए एक स्पेशल फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा हमने नहीं इनसे लेना है। क्या अगर एक गरीब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अगर वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या आप उनकी फ़ी बिल्कुल माफ़ी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आप भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं होती, ठीक है ना। जब तक आप अपने जेब से कोई पैसे नहीं ना देते हो तब तक उसकी वो है ना वो वैल्यू नहीं रहती है, तो उसको करने के लिए हम कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर लेते हैं। तो एक आप देखिए हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, पेरेंट्स आए हैं जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, वो हमें उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने अपने हेड ऑफिस में भिजवा के उनसे स्पेशल एक मतलब स्कॉलरशिप उनको दिलवाई है। तो इस तरह बहुत से केसेस ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अगर वो पूरी ले आते हैं तो हम आगे हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करके उनको स्पेशल दे देते हैं स्कॉलरशिप। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं, और अभी भी हमारे चेयरमैन जो हैं और डायरेक्टर जो हैं उन्होंने यही कहा है कि स्पेशली ये जो हमारे स्वीपर्स जो हैं जो सदियों से वही फील्ड में चल रहे आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल कोटा रखा है कि अगर उनके बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको कोशिश करेंगे कि बुक्स भी फ्री दें और उनकी एजुकेशन भी ऑलमोस्ट फ्री करें। तो अब इससे बढ़कर आई थिंक हमारा जो है एक जो मिशन जो है वो उसको कोई और नहीं पूरा कर सकता। जैसा आपने अभी शेयर किया था कि पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल होते हुए उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो जिनके बच्चों के घर के माहौल ऐसे नहीं होते, और ऑफ कोर्स जब वो यहाँ से सीख के जाते हैं तो घर जाकर उस माहौल में दोबारा ढल जाते हैं और वो सारा कुछ उनके माइंड से रिमूव हो जाता है जो उन्होंने एक बेटरनेस के लिए यहां से सीखा होता है। तो आप पेरेंट्स को उनके बच्चों की भलाई के लिए ही क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो अपने पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप जिनके लिए घर से बाहर निकले हो, सुबह से रात तक आप काम में लगे हुए, जिनके लिए आप कमा रहे हो, अगर वही वो आपका फ्यूचर डार्क है तो फ़ायदा कोई नहीं है। आपको चाहिए कि बच्चों के साथ भी मतलब कि कोशिश करें कि वीक डेज में ना सिर्फ वीकेंड्स में कम से कम आप बच्चों को टाइम दें, प्लस जब आप शाम को आते हैं बच्चों से सारे दिन का पूछ लें कि हाँ जी आपने क्या कुछ किया है, ताकि पता चल जाए कि क्या बच्चे क्या करते रहे हैं सारा दिन। ठीक है झूठ भी बोल देंगे बच्चे की हम ऐसे करते हैं ऐसे करते, लेकिन पेरेंट्स ही हैं वो बच्चे को पकड़ लेते हैं जो बच्चा झूठ बोल रहा, तो पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं सारा दिन, किसके पास रहे हैं, कहाँ पे रहे हैं, कितने टाइम में रहे हैं। ये मैं पेरेंट्स को बताती रहती हूँ, मेरे पास आते हैं मैं उनको कहती हूँ, उनको यही कहती हूँ कि ये आपका फ्यूचर है, आप अगर सारा दिन जाते हो बाहर तो अपने फ्यूचर के लिए कमा रहे हो, तो यही फ्यूचर अगर मतलब कि आपने अगर इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो फ़ायदा कैसी कमाई का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी कम्युनिटी में, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में किस तरह से डेवलपमेंट का, तरक्की का, तालीम का शौर बढ़ाया जा सकता है आपकी नज़र में, लड़कियों में, लड़कों में, बड़ों में, पेरेंट्स किस तरह, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते, जो चीज़ ज़्यादा नॉर्मल पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते उन्हें पता नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है कि इनमें शौर आए कुछ करने का, आगे बढ़ने का? एक्चुअली हमारे यहाँ पे आई थिंक जो हम लोग जिस पोस्ट पे हैं ये हमें ही एफर्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं बीइंग द प्रिंसिपल, हमें पेरेंट्स के साथ मीटिंग ऑब्वियसली मैं हर दूसरे दिन मतलब कि जो भी पेरेंट्स हम फ़ोन करके बुलाते हैं, कॉल करके बुलाते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि आप बच्चा आपका इस इधर जा रहा है, उसका ये वीकनेस है। तो आप बीइंग पेरेंट्स घर में, मैं उनको ये कहती हूँ कि वो हमारे पास 6 आवर्स रहते हैं, 6 घंटे हमारे पास रहते हैं, बाकी 18 घंटे आपके पास होते हैं, आप प्लीज़ उनका टाइम टेबल सेट करें, उनको ये बताएं और उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए प्लीज़ आप उनकी तरफ ध्यान दें। और इसी तरह मतलब ज़ाहिर है, और दूसरा ये कि करने के लिए हमारे मेरा ख्याल है कि हमें हमारे जो चर्चेज़ हैं उनको इस तरफ होने चाहिए, जब बच्चे मतलब उनको इनका करना चाहिए कि क्या कहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि
बच्चे जो हैं चर्च ज़रूर आएँ, ठीक है ना। और स्कूल वालों को भी करना चाहिए कि जिस चर्च से ही ताल्लुक़ रखते हैं उनसे हो के जी हाँ जी ये चर्च जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, और वहाँ पे उनको इस तरह की एजुकेशन दीजिए, पेरेंट्स को इस तरह की एजुकेशन, मैसेज तो समझ तो होते हैं, तो उनको एक जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैसेजेस अगर दिए जाएँ रिलीजस के रिलीजन को साथ मर्ज करके, तो आई थिंक उसमें अवेयरनेस पेरेंट्स में आ सकती है। क्योंकि स्कूल्स में पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, लेकिन चर्चेज में काफ़ी पेरेंट्स हैं जो जाते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक हमारे पादरियों का भी काम है कि वो पेरेंट्स को मोटिवेट करें, पेरेंट्स को बताएं कि अपने बच्चों के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बीवी हैं, ठीक है, आपके ख्याल में, और सबसे बढ़कर आप एक औरत हैं, तो आपके ख्याल में सोसाइटी में औरत, आज साइंस ने जब इतनी तरक्की कर ली है, औरत मुकम्मल तौर से एम्पावर्ड है? नहीं, किस तरह? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सी बातें हैं, हम एजुकेशन को ही देख लें, जब लड़की जो है पेरेंट्स मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई कि बेटी अगर किसी फील्ड में जाना चाहती है तो वो जाती है, मतलब कि टीचिंग में भी जाती है, नर्सिंग में भी जाती है, बैंकिंग में भी जाती है, मतलब वो एजुकेशन हासिल करती है, आई कॉम कर रही है, बी कॉम कर रही है, एमबीए कर रही है, मैथ्स कॉम कर रही है, और लेकिन उसको वो आज़ादी नहीं है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये हो जाता है जी, मेरे पास आते हैं ऐसे सीवीस, आई कॉम किया हुआ है, बैंकिंग की हुई है, मतलब कि सारा मैथ्स कॉम किया है, जी हाँ जी, मैंने कहा आपकी तो फील्ड ही नहीं टीचिंग, नहीं हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि वो जॉब नहीं करनी, वो आपने पढ़ने के लिए कहा था, हमने आपको वो पढ़ाई करा दी, बट आपके लिए लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब जो है टीचिंग है, टीचिंग के अलावा आप नहीं कोई कर सकते। तो ये चीज़ें अगर औरत मतलब कि एजुकेशन में आज़ादी है तो उसको प्रोफेशनली भी उसको आज़ाद होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि अगर वो निकल भी आती है घर से बाहर तो लोग जो है उसको जीने नहीं देते, उस पे उंगली उठाते हैं, हाँ जी ये सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर रहती है, उसके कैरेक्टर पे बहुत सी बातें शुरू कर देते हैं। तो साइंस ने नो डाउट तरक्की कर ली है, बट औरत वहीं की वहीं है जो सदियों पहले थी। तो ये जो 8 मार्च एक ख्वातीन के ऑनर में एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे स्पेशली वुमेन डे कहा जाता है, तो आपके ख्याल में ये एक दिन ख्वातीन को इतना एहतराम देना, उसके इतनी तारीफों के पुल बांधना ख्वातीन से, तो ये आपके ख्याल में क्या ये एक दिन के लिए इनफ है? मैं कहती हूँ औरत का एहतराम 365 डेज होना चाहिए, क्योंकि जितना कॉम्प्रोमाइज जितना काम औरत करती है, अगर जॉब भी कर रही है, मदर भी है, बेटी भी है, वो सुबह के टाइम जॉब करती है, शाम को घर को लुकाने, मतलब 24 आवर्स जो है वो ऑन ड्यूटी होती है, इवन कि छुट्टियां भी हों तो वो उसको छुट्टी नहीं होती है। तो मैं तो कहती कि औरत की रिस्पेक्ट जो है पूरा साल होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहती कायनात जो कम्प्लीट औरत से ही होती है, औरत के बगैर दुनिया कम्प्लीट नहीं है। तो जो आई थिंक जो लोग औरत की रिस्पेक्ट एक दिन दे देना औरत को और बाकी सारा दिन 364 डेज उसको बुरा भला कहना, वो आई थिंक दैट इज वो मतलब कि उसके साथ ना इंसाफी औरत के साथ। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान में औरत के किस तरह से बेटरनेस लाई जा सकती है वुमेन्स के लिए, पाकिस्तान हमारे मुल्क में हमारी गवर्नमेंट को कैसे औरत को फैसिलिटेट किया जा सकता है? फैसिलिटेट कैसे किया जाए, आई डोंट नो, गवर्नमेंट को तो मैं कुछ नहीं कह, गवर्नमेंट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहते, उनके कोई मतलब, लेकिन ओवरऑल जो रूल्स रेगुलेशन है वुमेन्स के लिए कैसे बनाए जा सकते हैं आपके ख्याल में, ये रूल होना चाहिए? मेरे ख्याल औरत को ही स्टेप उठाना पड़ेगा अपने राइट के लिए फाइट करने के लिए, अदरवाइज मर्दों की दुनिया में औरत को जो है ना वो वैल्यू नहीं है, वो पोजिशन नहीं मिल सकती है। तो ये मेरे ख्याल हर औरत को अपने राइट के लिए फाइट करना पड़ेगा, तो तभी औरत में अवेयरनेस आ सकती है। बहुत सी एनजीओज हैं जो औरतों की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, बहुत जो औरतों को अवेयरनेस देती हैं, बहुत सी कॉन्फ्रेंस होती हैं औरतों के लिए जिसमें औरतों को अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन अभी भी इस सब के बावजूद भी हमारी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, हालातों से कंप्रोमाइज़ करके बैठी होती हैं, अगर उनका मर्द शराब पीता है, उनको मारते पीटते हैं, उनके ससुराल वाले उन पर जुल्म करते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, आपके ख्याल में क्या वो ठीक करती हैं?
नहीं वो गलत करती हैं क्योंकि मैं तो बीइंग द प्रिंसिपल मेरे पास तो मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैं देखती हूँ. वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं वो घर का एनवायरनमेंट देख के वो भी फिर उसी रंग में रंग जाते हैं. अभी रिसेंटली मेरे पास केस है, मदर बेचारी सुबह से रात 10 बजे तक जॉब पर जाती है. 2 बच्चे हैं उसके, वो नहीं पढ़ सका बेटा, 8th में छोड़ गया. अब बेटी भी जो है, हस्बैंड उसका जो है नशा करता है, ठीक है, वो नशा करके सारा दिन पढ़ा रहता है. बचपन में तो बच्चों छोटे थे तो बच्चों को समझ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे वो देखते हैं कि बाप तो बॉदर ही नहीं करता, माँ सारा दिन घर से बाहर रहती है, तो वो बच्चे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बेटी भी जो है वो भाई के ट्रैक पर चलना शुरू हो गई, वो भी स्टडी से भागती जा रही है. तो आई थिंक कि वो अपने बच्चों के साथ वो यही ठीक है, वो कहते हैं कि बाप सर पे होने चाहिए, तो ऐसे बाप का क्या फ़ायदा जो कुछ भी नहीं कर सकता. उल्टा बीवी जो पैसे कमा के लाती है वो अपने नशे में लगा देता है, तो फ़ायदा क्या ऐसी ऐसे हस्बैंड का. और इसमें एक खास चीज़ होती है कि जब बेटे अपने बाप को पीते देखते हैं या मारते पीटते अपनी माँ को देखते हैं तो ऐसा होता है कि आगे वो भी यही सब वो भी करते हैं. उनमें ये चीज़ आ जाती है कि वो उस वक्त बेशक उस चीज़ को बुरा भी समझ रहे हो लेकिन आगे फ्यूचर में उनका भी यही काम होता है. जाहिर जब वो बड़े होते हैं वो भी मर्द बन जाते हैं तो वो भी फिर वो रिकॉल करते हैं कि हमारा बाप ऐसे करता था, तो वो भी उस चीज़ को उसी चीज़ को फॉलो करते हैं. अब एक ब्रेक का टाइम है, आपसे हम बातों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखते हैं. चिना सिंह आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं MTV. MTV के मकसद माशरे से अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए जदोजहद करना, मसीहों के मसाइल की ना सिर्फ निशानदेही करना बल्कि उनका हल तलाश करना, पाकिस्तान के आइन और मसीही कवानीन के बारे में मसीही कौम को वॉश आउट करना, पाकिस्तान के कयाम तरक्की और खुशहाली में मसीहियों के किरदार का तज़िया, और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना. डोंट मिस इट, 24 hours a day, 7 days in a week, नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ओनली ऑन MTV. तो देखना ना भूलिए. हम बात कर रहे हैं यहोनाबाद कैथेड्रल स्कूल के प्रिंसिपल, हम उनसे पूछते हैं क्या टॉलरेंस के बारे में इनके स्कूल में भी बच्चों को बताया जाता है, बच्चों को बचपन में ही इस चीज़ की तरबियत स्कूल में दी जाती है क्या. जी ऑब्वियसली दी जाती है, टॉलरेंस पे, हम्बलनेस पे, पोलाइटनेस पे देते तो हैं, अवेयरनेस कोशिश भी हमारी होती है. बट फिर वही मैं आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो हम 6 hours में जो कुछ उनको सिखाते हैं घर जाके वापस जो 18 hours का वो जो होता है ना वो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट जिनको घर में मिलता है उसमें वो फिर वैसे ज़ीरो होकर नेक्स्ट डे आ जाते हैं और हमें फिर उनको वही चीज़ देनी होती है. और खुदा का शुक्र है काफ़ी हद तक हम लोगों ने बच्चों में ये अवेयरनेस दी है और अब काफ़ी हद तक बच्चों पहले जो होता था लड़ाई झगड़ा ये सारा अब काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है. और हमारी कोशिश यही है कि इनमें जितना टॉलरेंस हम उनको सिखा सकें टॉलरेट करना वो कर रहे हैं. लेकिन अगर जो 6 hours आप बच्चों को स्कूल में देते हैं बाकी जो आर्स बच्चे घर में गुजारते हैं जो कि उससे ज़्यादा होते हैं, तो क्या आप उसमें बच्चों को कुछ टारगेट्स देते हैं. आई बिलीव अगर उसमें आप टॉलरेंस से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को टारगेट्स दिए जाएँ तो बच्चे घर में भी उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे.
मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हम कर रहे हैं, तो ऐसे जाहिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टारगेट्स दिए जाए, अच्छा जी आपने घर जाके ऐसे करना ये करना करना, हम आपसे रिपोर्ट लेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें थोड़ी एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को और कोशिश कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। चलिए स्कूल से हट के अगर सोसाइटी की बात की जाए तो हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, बल्कि बर्दाश्त देखने को नहीं मिलती, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि इसमें कसूर जो है वो हमारे मीडिया का है। जब आप एक नेगेटिव चीज़ें मीडिया में दिखाते रहोगे, फिर ऊपर से जब ऐसे स्पोर्ट्स आप देखते हो टीवी में जिसमें ये रेसलिंग वगैरह आ जाती है और वही चीज़ें जो हैं वो बात बात पे फाइट करना और नेगेटिव चीज़ को ही, अब मैं मतलब कि हम जब देखते होते थे रेसलिंग, वो एक प्रॉपर सिस्टम से होती थी, अब जैसे दिखा रहे हैं नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, चीटिंग उधर दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है, और यही चीज़ हमारे मीडिया में, जैसे हमारे लीडर्स जो हैं वो भी हर चीज़ में मीडिया उनको यही दिखाते हैं, वो चीट कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं और यही चीज़ें, और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, मतलब अपने आप को अपनी वीकनेसेस पे ध्यान नहीं देना, दूसरों पे उंगली उठाना है, तो वही चीज़ हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, उन्होंने हम अपनी वीकनेसेस नहीं देखनी है, उन्होंने यही कहना है कि अपनी वीकनेस का इल्ज़ाम भी किसी अगले को ही देना, जी उसने ऐसे किया उसने ये किया, तो ये चीज़ जो है हम पॉजिटिव, मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि बच्चे मीडिया ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया हो जाए, आप फेसबुक पे देख लो, इंटरनेट पे देख लो, इवन के सेलफोन्स हर बच्चे के पास है, वहाँ पे वो जो कुछ सीखते देखते हैं वही कुछ सीखते हैं और वही कुछ अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं आपकी बात के साथ एग्री भी करती हूँ। आप इस बात से एग्री करती हैं कि हमारी कौम का जवाल का बाइस हमारे अनएजुकेटेड लीडर्स हैं, मतलब सियासी लीडर्स, हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं, मजहबी लीडर्स हैं, आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारे जो आप अगर रिलीजियस लीडर्स की बात करते हो, वो हमारे रिलीजियस एजुकेशन नहीं देते, वो अपने थॉट्स को रिलीजन से रिलेट करके बताते हैं। अगर सही रिलीजियस एजुकेशन दी जाए तो आई थिंक कि हमारा मुआशरा जो है, हमारी सोसाइटी जो है, बेहतर हो सके। और सेम यहाँ पे अगर हम टीचिंग की तरफ भी आते हैं, कई ऐसे हैं टीचर्स जो पढ़ाते तो बुक्स हैं लेकिन उसमें अपनी जो थॉट्स हैं ना उसको ऐड करके, जो बुक में है वो नहीं, उसमें अपनी थॉट्स ऐड करके डालेंगे तो हो सकता है वो उनकी थॉट नेगेटिव की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ ही लेकर जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी जो है माशरा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमारे मतलब स्टाफ में देखें, कहीं पे भी, किसी भी आप जगह पे चले जाओ, किसी भी प्रोफेशन में चले, लेग पुलिंग बहुत होती है, एक बैक बाइटिंग बहुत होती है, और जब आप बच्चों के सामने कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी वही सीखेंगे। अगर दो स्टाफ मेंबर्स किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब क्लास में करें तो स्टूडेंट्स तो सुनेंगे ना, तो बच्चों के लाइफ में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है और वो टीचर्स को इमिटेट भी करते हैं, घरों में भी जाके इमिटेट करते हैं। तो इसलिए हमें बीइंग मैच्योर पीपल, हमें अपने आप को इस तरह का बच्चों के सामने रोल मॉडल बनाने चाहिए कि बच्चे हमें फॉलो करें और हम इस तरह पॉजिटिव वे में उनके सामने आए कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके अपने घरों को जाएं। मोस्टली बच्चियों ने तो अपनी आइडियल अपनी टीचर बनाई होती है, हमारी ये टीचर हमारी आइडियल है। अब डिपेंड करता है कि वो टीचर अगर आइडियल है तो किस सेंस में है, वो टीचर कैसी है, और टीचर तो ऑफकोर्स एक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। तो आपके ख्याल में एक लीडर का क्या क्राइटेरिया, आपका क्या इमेज आपके माइंड में एक आइडियल लीडर की है? आइडियल ऑब्वियसली आइडियल लीडर वही होते जो पॉजिटिव होके चले हर चीज़ को, मतलब एजुकेशन की बात होती है तो हर चीज़ को मतलब एजुकेट करने की कोशिश करें पॉजिटिव वे में। टीचर्स को अगर कोई लेके भी आता है, कोई बात लेकर भी आता है, इंस्टेड ऑफ आप उसको भी नेगेटिव वे में लो, उसको इस तरह पॉजिटिव वे में उसको समझा के भेजो कि नहीं उसका मकसद ये नहीं होगा, उसका मकसद ये था बात करने का, तो आप इसको नेगेटिव ले रहे हो, आप इसको अगर पॉजिटिव लो तो उसकी बात वो ये कहना चाह रही होगी। तो मतलब इस तरह अगर आप टीचर्स को भी इस तरह मोटिवेट करते हो, एजुकेट करते हो, और बीइंग द प्रिंसिपल मैं यही कहती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो टीचर्स में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई दफ़ा क्लैशेस आ जाते हैं, मेरी कोशिश होती है उसको पॉजिटिव वे में उसको ख़त्म किया जाए और एनवायरनमेंट को फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाए और एक दूसरे के साथ जैसे स्टाफ मेंबर्स एक यूनिटी के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ये तो बहुत एक संजीदा गुफ्तगू होगी। अब बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं?
मेरी हॉबीज एज सच तो कुछ नहीं है, कुकिंग बहुत शौक से करती हूँ और बुक्स वगैरह का है शौक. और आपकी मोस्ट फेवरेट डिश कौन सी है? सिंपल दाल चावल. दाल चावल. म्यूजिक में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं? एक्चुअली म्यूजिक में इंटरेस्ट तो है मेरे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है साउंड मतलब के ग्रुप था उनका, लेकिन ये के इंटरेस्ट तो है. बट पहले आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बताइए, हम आपको आपका फेवरेट सॉन्ग सुनाएंगे. मेरा फेवरेट तो बहुत से हैं, लेकिन एक जो है वो अभी तक मतलब मुझे बहुत पसंद है, जब कोई बात बिगड़ जाए, इंडियन सॉन्ग है वो. शीन आसिन, आइए इनकी पसंद का गाना सुनते हैं. लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, आप सुनिए इनकी पसंद का गाना और हमें दीजिए इजाज़त. कल फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़. कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा. तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों छोड़ना मेरा हाथ. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा.
मुश्किल